पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के स्थानीय संयोजक मुकेश माधवानी ने बताया, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अराइज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म द्वारा अफ्रीका में निवेश पर होटल द ललित पैलेस में सेमिनार आयोजित की गई। कार्यक्रम में अराइज आईआईपी के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर अमित कौशिक ने अफ्रीका में निवेश की संभावनाओं पर बोलते हुए कहा कि अफ्रीका में जहां हर वस्तु आयात होती है, वहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं। अराइज आईआईपी अफ्रीका के विभिन्न देशों में जहां पर निवेश की अपार संभावनाएं हैं, कच्चे माल की उपलब्धता है तथा परिस्थितियां उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल है, ऐसे देशों में अत्याधुनिक एवं बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल पार्क एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित कर रहा है। यहां पर निवेशक बिना किसी कठिनाई के कम समय में अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं तथा अफ्रीका में व्याप्त स्थानीय बाजार एवं अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में अपने उत्पाद सुगमता से निर्यात कर सकते हैं। अब तक अराइज 12 देशों में इस तरह की सुविधाएं विकसित कर चुकी है, जिनमें कई भारतीय कंपनियां भी कार्यरत हैं। उद्योग लगाने के लिए इन पार्कों में बने हुए शेड लीज पर उपलब्ध कराए जाते हैं तथा वहां अफ्रीका में निवेश के लिए सभी प्रकार की क्लियरेंस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बिजनेस प्लान पर निवेश निर्भर करता है तथा इसके लिए ऋण आदि के लिए भी अराइज उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है। अफ्रीका में रोशनी के लिए कैंडल का उपयोग किया जाता है, इसलिए वहां सोलर क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वहां मजदूरों की औसतन सैलरी $108 है तथा बिजली भी बिना किसी व्यवधान के उचित दर पर उपलब्ध है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्षेत्रीय निदेशक राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अफ्रीका में एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपनीज, पैकेजिंग, टिम्बर, वेस्ट रिसाइकलिंग, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वहां काम करने की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि निवेशकर्ता के मन में वहां निवेश करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वहां निवेश के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां की सरकार अराइज द्वारा अप्रूव किए गए प्लान पर भरोसा कर ऋण उपलब्ध कराती है। अफ्रीका अभी एक रॉ मार्केट है जिसे किसी भी ओर मोड़ा जा सकता है। गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के पश्चात अधिकारी जानकारी के लिए उद्यमी पीएचडी चैम्बर से संपर्क कर सकते हैं। सेमिनार में अनेक उद्योगपति व्यवसाय मौजूद थे। We have our own staff of Indians, 400 Indian हमारे हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो अपने फैमिलीज के साथ वहाँ पे रह रहे हैं, जो वहाँ पे स्कूलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे होली दिवाली सारा मनाया जाता है आपकी में वहाँ पे। So the perception is different and the reality is different. मेरा पॉइंट ये है, जब आप जाएंगे तो you will feel the difference कि आज से 5-7-10 साल पहले जो अफ्रीका था वो टोटली चेंज हो चुका है। और सर वीज़ा का ये है कि आप जब जाएंगे, अगर किसी भी जैसे आप कहते हैं कि कैश प्रोसेसिंग में जाना है, एंड आई वांट दिस काइंड ऑफ फंडिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बैंक, तो व्हेन यू विल ये अगर तो सीधा हो सकता हो जाए, इसको पता है तो बोलेंगे, इनको बोलेंगे मुझे बैंक दे दीजिए। जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना, वहाँ के उनके बिजनेस प्लान के बारे में उद्यमियों को पूरा समझाना, आश्वस्त करना कि जो बिजनेस वो लगाना चाह रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, अप्रूवल्स हुई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, चाहे वो रॉ मटेरियल की सप्लाई को सुनिश्चित करना हो या लोकल अफ्रीका के अंदर सरकार या अन्य के माध्यम से मार्केट डेवलप करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, तो इन्वेस्टमेंट के पहले और बाद में भी जब तक वो बिजनेस चलेगा तो ये बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से वैल्यू एडेड अपनी सर्विसेज देते हैं। और मैं अराइज ग्रुप पे 12 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी ऑपरेशनल और अंडर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। हमने 2010 में पहला जोन स्टार्ट किया था, दैट इज इन जापान डोगो के अंदर हमारा ऑपरेशनल जोन है, बेनिन के अंदर है। नाउ वी आर एंटरिंग इन टू तंजानिया, ये अंडर डेवलप जोन है, आइवरी कोस्ट, बोथ कॉन्गो, नाइजीरिया, मालावी, ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। और हर कंट्री के अंदर एक अलग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अराइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अराइज देखता है कि किस कंट्रीज में किस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, एंड देन वी प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कि उस रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंट्री में हो, जिससे कि लोकल इकोनॉमी की बूस्ट हो और एम्प्लॉयमेंट भी जनरल है। इसके अलावा अराइज के और भी वर्टिकल है, अराइज इज इनटू पोर्ट एंड लॉजिस्टिक ऑल्सो, अराइज इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ऑल्सो, दे अ लॉट ऑफ फिस्कल इंसेंटिव विच वी प्रोवाइड
अगर आपको यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं और आप अफ्रीका में काम कर रहे हैं, अगर आपकी ROI सेम है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप वहाँ पे जाएँ। तो वी हैव बिजनेस प्लान ऑल्सो फॉर की कमोडिटीज़ जो हमने वहाँ पे तैयार किए हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वी कांट से कि हर कंट्री में एक ही सेम अपॉर्चुनिटी। अभी तक कितने बिजनेसमैन आपसे जुड़ चुके हैं? आज की डेट में हमारे यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन में करीब करीब 478 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं आज की डेट में, एज वी आर स्पीकिंग। वो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, अलग अलग कमोडिटीज़ के हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ कंपनीज ऑपरेशनल हैं। मेरा नाम अमित कौशिक है और मैं RIS IIB को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू।